नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं सेल ऑर्डर का पूरा कंप्लीट प्रोसेस टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल ऑर्डर आखिर होता क्या है। तो सेल ऑर्डर वह इनवॉइस होता है जिसका यूज सप्लायर यह कंफर्म करने के लिए बनाती है कि जो पार्टी हमसे गुड्स या सर्विस परचेज कर रही है वह इसे जरूर परचेज करेगी। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप देखेंगे हमें जो ऑर्डर मिला है वो 50 पीस का मिला है J7 मोबाइल का। इसके बाद हम उसको डिलीवर करेंगे 40 पीस 30 डेज के अंदर, यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 50 पीस थी, लेकिन हमने जो डिलीवर किया वो 40 पीस डिलीवर किया। मान लीजिए हमारे पास 10 पीस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। अब हम उसे प्री क्लोज करेंगे, यानी कहने का मतलब ये कि जो हमारा कस्टमर था उसने अब हमें मना कर दिया कि वो 10 पीस नहीं लेगा, उसकी 40 पीस से ही रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो इस 10 पीस को हम यहाँ से प्री क्लोज कर देंगे। अब जो हमारी टोटल सेल हुई है वो 40 पीस की सेल हुई है। इसके बाद उसने जो हमें पेमेंट की है वो सिर्फ 30 पीसेस की पेमेंट की है, यानी 30 पीस का ही उसने इनवॉइस तैयार करवाया है। इसके बाद 10 पीस को उसने रिजेक्ट कर दिया क्वालिटी पर्पज़ से, यानी उसमें कोई ख़राबी हो सकती है या किसी भी रीज़न से उसने हमें उस 10 पीसेस को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद हमने फिर से उसको दूसरा पीस डिलीवर करवाया 10 पीस डिलीवर कराने के बाद अब हमने वापस 10 पीस को सेल किया उसको, और उसका 10 पीस का दोबारा से इनवॉइस बनाया, और फिर हमने टोटल जितना भी हमने सेल किया था उसका अमाउंट, यानी 40 पीसेस का टोटल अमाउंट हमने चेक के थ्रू और कैश के थ्रू रिसीव किया है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम टैली प्राइम के अंदर सीखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आप जा सकते हैं वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए F10। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शो इन एक्टिव का, आप इस पर क्लिक करिए। आप देखेंगे आपके सामने जो भी ऑप्शन हाइड है इनमें से हमें 3 ऑप्शन को अनहाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेल ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं। इस पर जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगी, इस नोटिफिकेशन को आपको यस कराना है। यस कराने के बाद आपका ये जो वाउचर था वो एक्टिवेट हो गया। इसी काम को आप एक जगह से और कर सकते हैं, मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। आप स्कैप करके पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आपको जाना होगा ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा वाउचर टाइप के अंदर। वाउचर टाइप में जाने के बाद अब बाकी के ऑप्शन आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मुझे एक एक्टिवेट करना है डिलीवरी नोट को, तो मैं डिलीवरी नोट को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा एक्टिव दिस वाउचर टाइप, तो इस वाले ऑप्शन को आपको यस कराना है। यस करने के बाद कंट्रोल ए कर दीजिए क्विक क्रिएशन। इसके बाद हमें एक ऑप्शन और एक्टिवेट करना है रिजेक्शन इन का, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद कंट्रोल ए कर दीजिए, ये भी आपका सेव हो गया। यानी हमारे वाउचर्स जो भी थे वो टोटल एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने से पहले हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो लेजर्स के लिए आप क्रिएट में जा सकते हैं। यहाँ से आप लेजर्स में जा सकते हैं और यहाँ पर आप अपने लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। हम जो लेजर्स बनाएंगे वो डायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ से हम स्कैप करके पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद आपको जाना होगा सीधे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद अब आपको सबसे पहले सेल ऑर्डर सेलेक्ट करना होगा। तो सेल ऑर्डर की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F8। आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+F8 कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने पहले से ही सेल ऑर्डर ओपन है, तो हम यहाँ पर सीधे पहले पार्टी का नाम लेंगे। तो पार्टी का नाम लेने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C। Alt+C प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे अपने पार्टी का। तो मैं यहाँ पर पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने पार्टी का लेजर क्रिएट कर दिया XYZ के नाम से, XYZ PVT.LTD। और इसके बाद मैं इसको अंडर डाल दूंगा सेंड्री डेबिटर के, क्योंकि ये मेरा कस्टमर है, तो मैं इसको सेंड्री डेबिटर में डालूंगा। सेंड्री डेबिटर में डालने के बाद आप यहाँ पर उसका GST नंबर डाल दीजिए और उसके बाद एंटर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑर्डर डिटेल्स आ गई, जिसके अंदर सबसे पहला आपका जो ऑप्शन है वो है मोड टर्म्स पेमेंट्स का, यानी आप जो पेमेंट हमें जो रिसीव होगी वो किस तरह से रिसीव होगी। तो ये पार्टी हमें पहले से ही इस चीज़ को मेंशन करेगी, तो हम ये चीज़ अपनी डिलीवरी नोट के अंदर मेंशन कर लेते हैं। मान लीजिए पार्टी हमें कैश के थ्रू पेमेंट करेगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश। इसके बाद अगर उसके पास कैश नहीं हो पाता तो उसका जो अदर रेफरेंस होगा पेमेंट का वो क्या होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए उसका अदर रेफरेंस है चेक। इसके बाद यहाँ पर टर्म्स ऑफ डिलीवरी है, यानी कितने दिनों के अंदर हमें डिलीवरी करनी है, तो मान लीजिए मैंने दे दिया 30 डेज।
30 डेज के अंदर हमें सामान को डिलीवर करना है। इसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर डिस्पैच थ्रू है, यानी किस चीज़ के थ्रू हमारा जो गुड्स है वो वहाँ पर पहुँचेगा। तो मान लीजिए हमने दे दिया वैन, कि वैन के थ्रू हम इसे गुड्स को वहाँ पर पहुँचाएंगे। डेस्टिनेशन के अंदर आप देंगे कि आपका जो सामान है वो किस जगह पर जाएगा, तो हम दे देते हैं दिल्ली। हमारा जो गुड्स है वो दिल्ली में डिलीवर होगा। यहाँ पर कैरियर एजेंट नेम देंगे, कि यानी जो भी पर्सन इस गुड्स को वहाँ पर पहुँचाएगा उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं। मान लीजिए मिस्टर अमन कुमार। इसके बाद अगर हमारा जो गुड्स है वो कुरियर के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल डालेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप अपने व्हीकल का नंबर डालिए, यानी आप अपनी वैन का नंबर डालिए, जो भी वैन का नंबर है। तो यहाँ पर हम वैन नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। यहाँ पर आप अपनी पार्टी का एड्रेस डालेंगे, जहाँ पर आपका जो गुड्स है वो डिलीवर होगा। तो यहाँ पर मैं एड्रेस दे देता हूँ। एड्रेस देने के बाद मैं इसको एंटर करके सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर आ गया। अब इस ऑर्डर नंबर को आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो ऑर्डर बनाएंगे वो पार्टी के नाम से बनाएंगे, ताकि हमें पता रहे कि ऑर्डर किसका है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइक एक्स वाई जेड और 1, यानी एक्स वाई जेड पार्टी का नेम हो गया और हमने 1 यानी पहला ऑर्डर उसका रिसीव किया है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक सेल का लेजर क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर हम सेल का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसको अंडर ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर डाल देंगे और यहाँ पर आप जो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल है इसको हम यस रखेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे गुड्स को, क्योंकि हमारा जो गुड्स है वो सेल हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर हम अपने आइटम्स को ले लेंगे, तो हमारे पास जो आइटम है हम स्पेस दबाएंगे। हमारे सामने जो आइटम है वो J7 का आइटम है, तो ये J7 का आइटम आ गया और उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो J7 आइटम है उसके अंदर जीएसटी डिटेल हमारी एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्योंकि हम जब गुड्स को सेल करेंगे तो जीएसटी के साथ उसको टोटल अमाउंट दिखाएंगे कि हम कितने अमाउंट का सेल कर रहे हैं उसको विद जीएसटी। तो हम यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे अल्टर के लिए, और यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको जाना है अंडर ऑफ सैमसंग के अंदर, यानी जो भी आपका ग्रुप होगा आप ग्रुप के अंदर जाएंगे, यानी इस अंडर के अंदर जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक बार कंट्रोल एंटर दोबारा से प्रेस करना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने जीएसटी डिटेल का एक ऑप्शन शो होगा, आपको इसको यस कराना होगा। इसको यस कराने के बाद यहाँ पर अगर आपके सामने डिटेल्स फिल नहीं है, तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करने लिए है, जैसे मैंने फिल कर दिया मोबाइल। यहाँ पर HSN कोड जो भी है उसका वो आप फिल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको टैक्सेबल रखेंगे। टैक्सेबल रखने के बाद आपका जितना भी जीएसटी रेट है वो यहाँ पर आप अपना फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पर आपको जीएसटी डिटेल बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, आपको सिर्फ एंटर करके यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है, यानी कितने पीस का आपके पास ऑर्डर आया है। तो हम दे देते हैं यहाँ पर 50 पीस का, हमारे पास जो ऑर्डर है वो 50 पीस का ऑर्डर आया हुआ है। रेट कितना है, तो रेट है हमारा 15,000 का रेट है पर पीस का, तो हम यहाँ पर 15,000 दे देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट हो गया वो 7,50,000 रुपये हो गया। हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी ड्यू डेट दे सकते हैं। हम इसको एंटर करके सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अपने टैक्सेशन को लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमें टैक्स के लेजर चाहिए होंगे, यहाँ पर आप ऑल्ट सी करिए। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पर लेजर बना लीजिए CGST का, क्योंकि हमारा ये जो गुड्स है वो सिंपल सेम स्टेट में ही सेल हो रहा है, तो हम यहाँ पर CGST का लेजर बनाएंगे। यहाँ पर ले लेंगे इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि हमारा ये लोकल सेल है। यहाँ पर जीएसटी को लेंगे और CGST हमारा सेंट्रल टैक्स के अंदर आता है, तो यहाँ पर हम सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका CGST लग गया। इसके बाद यहाँ पर फिर से आप ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर लेजर बनाएंगे SGST का, और इसको भी आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर देंगे। यहाँ से जीएसटी ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे स्टेट टैक्स, और इसको भी आप एंटर प्रेस करके सेव करा देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपका जो टोटल अमाउंट था वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए, यानी हमने सेल ऑर्डर का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। सेल ऑर्डर का पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। आप चाहिए अपने बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ से आप चले जाइए करंट एसेट्स के अंदर, और यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक दिखा देता हूँ मैं आपको। सैमसंग का आइटम है, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 90 पीसेस की क्वांटिटी है। यहाँ से आप देखेंगे आपका कोई भी क्वांटिटी आपकी माइनस नहीं हुई है, तो स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद मैं आपको एक जगह से और दिखा देता हूँ। आप चले जाइए यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ से आपको जाना है
सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर, और यहां से आपको जाना है ऑल्स के अंदर और ऑर्डर्स के अंदर, और यहां पर आप देखेंगे आपके 50 पीस का जो ऑर्डर था वो आउटस्टैंडिंग आ रहा है अभी, यानी अभी तक हमने इसकी सेल नहीं की है। तो अभी हमारा जो 50 पीसेस था वो आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है। तो यहां से हम स्कैप करके पीछे चले जाते हैं। यहां पर मैं आपको एक बार सेल बिल पेंडिंग भी दिखा देता हूं। बिल पेंडिंग अभी हमारे सामने नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने डिलीवर किया ही नहीं है गुड्स को। जब हम गुड्स को डिलीवर कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो बिल था वो पेंडिंग में आ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्डर मिला है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ना तो गुड्स माइनस हुआ है और ना ही यहाँ पर हमारा डेटा शो हो रहा है। तो इसके लिए अब स्कैप करके एक बार पीछे चले जाते हैं, वाउचर्स में वापस चले जाते हैं, और अब हमें यहाँ पर एंट्री पास करनी है डिलीवरी नोट की। तो डिलीवरी नोट की जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस F8। आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F8 प्रेस करिए। इसके बाद यहाँ से आप पार्टी का नाम ले लीजिए, जो भी आपने यहाँ पर अपना ऑर्डर नंबर बनाया था आपने उस ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो अपने डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर दे सकते हैं। हम इसको सिंपल एंटर करके सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद इसको भी आप एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो सेल थी यहाँ पर डिलीवरी नोट हो गई, यानी हमारा जो गुड्स था वो पार्टी के पास डिलीवर हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा टोटल ऑर्डर था वो 50 पीसेस का था, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 40 पीस को डिलीवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 40 पीस ले लेंगे। 40 पीस डिलीवर करने के बाद, क्योंकि हमारे पास 10 पीस का मान लीजिए स्टॉक है ही नहीं, हम 40 पीस उसको सेल कर रहे हैं, तो 40 पीस हम उसके पास कस्टमर के पास अपने भेज दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसे एंटर करके सेव करा देंगे। सेव करने के बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको जो प्रोवाइड GST ईवे बिल है इसको आप नो ही रखिए और इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हमारी डिलीवरी पहुंच चुकी है। तो अब एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। स्कैप करके आप एक बार पीछे आइए और एक बार चले जाइए बैलेंस शीट के अंदर, और यहां से चले जाइए अपने करंट एसेट्स के अंदर, और यहां से आप चले जाइए स्टॉक के अंदर। स्टॉक देखेंगे अगर आप, तो यहां पर आप देखेंगे आपका सैमसंग का जो स्टॉक था वो तो वो बचा है आपका 50 पीस, यानी आपके पास अभी 90 पीस था और अब हमारे पास 50 पीस बचा, यानी 40 पीस हमने सेल कर दिया। आप इसी चीज को अगर चाहें तो यहां से डायरेक्टली स्टॉक समरी में भी जाकर के डायरेक्ट देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ले जाता हूं। यहां से आपको ले जाता हूं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहां से आप चले जाइए सेल बिल पेंडिंग के अंदर। तो यहां से चले जाइए, आप देखेंगे आपके अभी 40 बिल का जो पेंडिंग है वो अभी यहां पर शो हो गया, यानी 40 पीस जो हमने सेल किया है उसका बिल अभी पेंडिंग है, पेंडिंग शो कर रहा है। किस डेट को हमने सेल किया वो भी यहां पर शो हो रहा है। अब एक बार स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। स्कैप करके पीछे आने के बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इस पर जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो 10 पीस था, यानी हमें जो ऑर्डर मिला था वो 50 पीस का था, जिसमें से 10 पीस हमने अभी उसको डिलीवर नहीं किया। तो यहाँ पर जो हमारा 10 पीस था वो बैलेंस शो कर रहा है। अब इस 10 पीस को हम क्या करेंगे, प्री क्लोज करेंगे। मान लीजिए हमारा कस्टमर हमसे ये कहता है कि भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 40 पीसेस में पूरी हो चुकी है, मुझे अब आपके 10 पीस नहीं चाहिए। अब इस ऑर्डर को हम क्या करेंगे, यहाँ से प्री क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से आपके सामने ऑप्शन नजर आएगा प्री क्लोज ऑर्डर का। यहाँ से आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस W भी प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्री क्लोज करेंगे इसको। प्री क्लोज करने के बाद यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी आपको प्री क्लोज करनी है वो यहाँ पर डाल देंगे आप। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 10 पीस। अब यहाँ पर आप अपना रीजन लिख सकते हैं कि भाई कस्टमर ने इसको प्री क्लोज क्यों किया। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने दे दिया टाइम इशू, हमने उसे माल टाइम पे डिलीवर नहीं किया था, इस वजह से उसने मान लीजिए किसी और पार्टी से माल को खरीद लिया और हमें मना कर दिया। तो हम इसको सेव कर देते हैं। अब आप देखेंगे हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ से गायब हो गई, हमारे पास कोई भी बैलेंस क्वांटिटी नहीं शो हो रही है। तो हम स्कैप करके एक बार पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे वापस अपने वाउचर्स के अंदर और अब हम अपना बिल जनरेट करेंगे। तो बिल जनरेट करने के लिए, यानी कि हम अपनी सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अपने पार्टी का नेम लेंगे, तो हमारी जो पार्टी थी तो वो XYZ थी, तो हम यहाँ पर XYZ को ले लेंगे। यहाँ पर जो हमारा ट्रैकिंग नंबर था वो 1 था, तो हम यहाँ पर 1 को सिलेक्ट करेंगे। 1 को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पूरी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो गई है, तो हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम इसे एंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे जो हम सेल करेंगे वो हम सेल करेंगे 30 पीसेस की, यानी जो हमें जो पेमेंट मिली है, यानी जो हम उसने हमें बिल बनाकर दिया है वो सिर्फ 30 पीस का दिया है। तो हम यहाँ पर 30 पीस का ही बिल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी थी वहाँ पर हम लेस कर देंगे इसको, 30 पीस का हमें अमाउंट वो दे रहा है, तो हम यहाँ पर 30 पीस को सिलेक्ट करेंगे। 30 पीस को सिलेक्ट करने के बाद हम इस एंट्री को यहाँ पर पास कर देंगे। एंट्री को पास करने के बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर आप ईवे बिल को नो कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए,
और यहाँ पर न्यू रेफरेंस के अंदर आप यहाँ दे सकते हैं कि हमने जो डिलीवर किया था वो कितने दिनों में डिलीवर किया था, किस डेट पे हमारा जो सेल हुआ है वो सेल हुई है। तो हम यहाँ दे देते हैं एक महीने बाद हमने इसको सेल किया है, हमने जो हमें जो ऑर्डर मिला था वो 1 अप्रैल को मिला था, हम इसको जो डिलीवर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1/5 को कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसे एंटर प्रेस कर देंगे, या 30 डेज आपका लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको इस एंट्री को पास करा के सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हमारा डिलीवर हो चुका है सामान। अब फिर से मैं आपको एक बार स्कैप करके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ले चलता हूँ। यहाँ से आप चले जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, यहाँ से चले जाइए आप सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर। आउटस्टैंडिंग अगर आप चेक करेंगे तो आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, और यहाँ से अगर आप यहाँ से जाएंगे सेल बिल पेंडिंग के अंदर तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 पीस का आपका बिल पेंडिंग आ गया। यानी हमने जो सेल किया था वो टोटल 40 पीस का सेल किया था, 30 पीस का उसने बिल जनरेट करवाया है और 10 पीस का हमारा अभी तक बिल पेंडिंग शो कर रहा है। अब इस 10 पीस के साथ हुआ क्या? आप मान लीजिए कस्टमर ये कहता है कि भाई ये 10 पीस रिजेक्ट कर दिया कस्टमर ने, वो कहता है कि मुझे ये 10 पीस अब आपके नहीं चाहिए। मान लीजिए इसमें कोई क्वालिटी इशू है या क्वांटिटी इशू है या कुछ भी कोई भी इशू आप इसके अंदर दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इस 10 पीस को भी रिजेक्ट करूँगा। अब इस 10 पीस को आप किस तरीके से रिजेक्ट करेंगे और वो हमारे बिल में से किस तरह से माइनस होगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए और यहाँ से पहले हम एक बार स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी में अगर हम गए तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके 50 पीस हैं, 40 पीस अभी आपके कस्टमर्स के पास हैं और 10 पीस अब वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से चले जाइए वापस वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद अब आपको रिजेक्शन का एक प्रोसेस यूज़ करना होगा, तो रिजेक्शन इन हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो रिजेक्शन इन के लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करिए और यहाँ से आप देखेंगे आपका जो रिजेक्शन इन था वो यहाँ पर शो हो गया। आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+F6। यहाँ से Ctrl+F6 यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर स्पेस दबाइए। स्पेस दबाने के बाद जो पार्टी आपको रिटर्न कर रही है माल उसका नाम सेलेक्ट कर लिए, तो XYZ पार्टी है हमारी, और उसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर कौन सा आइटम है हमारा, तो J7 का आइटम है। कितने पीसीस हमें रिटर्न कर रही है, तो ऑर्डर नंबर अब ट्रैकिंग नंबर 1 ले लीजिए, वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो 10 पीस यहाँ पर अपने आप आ गया, रिटर्न हो रहा है हमारा, तो हम यहाँ पर इसको एंटर करके सेव करा देते हैं। अब इसको एंटर सेव करने के बाद अब आप देखेंगे स्कैप करके मैं फिर से आपको अपने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर ले चलता हूँ, और यहाँ से आप चले जाइए अपने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ से चले जाइए आप अपने सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में 10 पीस आपका यहाँ पर शो हो गया, क्योंकि वो जो पीसीस थे वो हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं, तो वो रिजेक्ट होने के बाद हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस में शो हो गया। और अगर आप यहाँ से देखेंगे हमारा बिल पेंडिंग का, तो बिल पेंडिंग हमारे सामने कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि 30 पीस की हमारी सेल हुई है और 30 का 30 पीस का बिल हमारे पास बन चुका है, और यहाँ पर जो 10 पीस था वो हमारे आउटस्टैंडिंग में शो हो रहा है। अब मान लीजिए कस्टमर आपसे ये कहता है कि जो 10 पीस थे मुझे वापस चाहिए, आप इसे एक्सचेंज करके मुझे दूसरे पीस दीजिए। तो अब हम इस 10 पीस को वापस सेल कर देते हैं, यानी मान लीजिए हम उसको एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करने के बाद 10 पीस उसको वापस सेल करते हैं, तो इसके लिए हम स्कैप करके पीछे आ जाते हैं। अब इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें जाना होगा वापस अपने वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद हम दोबारा से एक डिलीवरी नोट फिर से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए Alt+F8। Alt+F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको लेना होगा वापस अपनी पार्टी का नाम। पार्टी का नाम लेने के बाद जो भी आपका ऑर्डर नंबर था उस ऑर्डर नंबर को आप वापस फिर से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिर से आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर सेल को वापस सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे 10 पीस आपका वापस डिलीवर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो आप ट्रैकिंग नंबर रखेंगे वो 2 लेंगे, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर 2 इस वजह से देना है क्योंकि आप पहला वाला जो ट्रैकिंग 1 था उसको यूज़ कर चुके हैं 30 पीस के लिए, और अब हम जो दूसरा ट्रैकिंग है उसको इस 10 पीस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसे एंटर करके सेव कर देंगे। एंटर करके सेव करने के बाद यहाँ पर यह आपका ईवे बिल का ऑप्शन आ गया, तो ईवे बिल को आप कंट्रोल ए करके क्विक क्रिएशन करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको फिर से दिखा दूं, आपके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में वापस आप चले जाइए। यहाँ से चले जाइए आप वापस स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ से चले जाइए आप अपने सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग था वो यहाँ से हट चुका होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे 10 पीस बैलेंस शो कर रहा था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब ये जो 10 पीस है वो कहाँ शो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका चला गया सेल बिल पेंडिंग के अंदर, क्योंकि अभी तक इसका बिल जनरेट नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 पीस का बिल पेंडिंग वापस शो कर गया। अब इस 10 पीस का हम फिर से बिल जनरेट करेंगे, यानी इसकी फिर से सेल करेंगे। तो हम वापस चले जाते हैं सेल्स के अंदर, और सेल्स के लिए आप प्रेस करेंगे F8।
F8 प्रेस करने के बाद यहाँ से आप पार्टी को वापस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपने ट्रैकिंग नंबर 2 को सिलेक्ट कर लीजिए और सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जितनी भी डिटेल आपने फिल की है वो वापस रिकवर हो जाएंगी, वापस फुलफिल हो जाएंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव करा देना है। अब यहाँ पर अपना ड्यू डेट दे सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ड्यू डेट जो थी वो दे दिया 2/5/21 को, यानी एक दिन बाद मैंने डिलीवर किया है और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेल करने के बाद मैं आपको लास्ट टाइम फिर से दिखा देता हूँ आपकी बैलेंस शीट और आपका पूरा स्टॉक। अब चले जाते हैं हम लोग स्टॉक समरी के अंदर। यहाँ पे आप जाइए, स्टॉक अगर हम चेक करेंगे तो 50 पीस है, 40 पीस हमारे सेल हो चुके हैं। दूसरा, अगर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करके अपने उस एंट्री को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऑल प्रेस करूंगा। ऑल प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कोई भी ऑर्डर ड्यू नहीं है। अब स्कैप करके पीछे आ जाइए, अगर हम सेल बिल पेंडिंग देखते हैं तो यहाँ पर भी आपका कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है क्योंकि हमारी सेल हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपनी पार्टी से पैसा को रिसीव करना है जो हमने सेल की है, यानी हमने जो सेल किया था टोटल 40 पीस का सेल किया था, हमें 40 के 40 पीस का जो पैसा है वो पार्टी से रिसीव करना है। तो इसके लिए हम अपने वाउचर में वापस चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F6। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, आप या तो कैश के थ्रू ले रहे हैं या बैंक के थ्रू ले रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टी मान लीजिए हमें बैंक के थ्रू पैसा दे रही है, तो यहाँ पर हम बैंक का लेजर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बैंक के अंदर 20,000 रुपये हमारे पहले से ही शो हैं, यानी हमारे पास 20,000 रुपये पहले से ही पड़े हुए हैं, बाकी पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ स्पेस दबाइए, किस पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं तो उस पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। इस पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट था वो 7,08,000 रुपये है। तो पार्टी हमें जो पैसा दे रही है वो 7,00,000 रुपये बैंक में दे रही है, तो यहाँ पर हम 7,00,000 रुपये टाइप कर लेते हैं। 7,00,000 टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम इसे एडजस्ट रेफरेंस रखेंगे। अब ये जो ऑप्शन है इसे आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बिल पेंडिंग था वो किसके अगेंस्ट हम बिल ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं जो हमारा पहला वाला ट्रैकिंग नंबर था उसके अगेंस्ट ले रहे हैं, तो हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम एडजस्ट करेंगे, जो दूसरा बिल पेंडिंग था हमारा उसके अगेंस्ट भी हम इस पैसे को रिसीव कर रहे हैं, तो हम दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर दोनों के अगेंस्ट, यानी दोनों जो हमने सेल की है, एक 30 पीस की सेल की थी और एक 10 पीस की सेल की थी, तो दोनों के दोनों अगेंस्ट यानी 30 पीस की जो सेल थी हमारी वो 1 मई को थी और 10 पीस की जो सेल थी वो 2 मई को थी। तो टोटल अमाउंट हमारा इंक्लूड होकर के यहाँ पर शो हो गया और उसमें से उसने हमें 7,00,000 रुपये पेमेंट कर दिया है। इसके बाद हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पर आप उस चेक की डिटेल पूरी फिल कर दीजिए जो चेक आपको रिसीव हुआ है, यहाँ पर अपना नंबर फिल कर दीजिए, यहाँ पर डेट फिल कर दीजिए जिस डेट को आपको ये पैसा मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मान लीजिए 1/6/21 को हमें ये पैसा रिसीव हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम ले लीजिए कि किस बैंक के थ्रू आपको ये पैसा रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर आप स्पेस दबाइए, यहाँ से ले लीजिए स्पेसिफाइड बैंक नेम और यहाँ पर अपने बैंक का नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ SBI बैंक, और उसके बाद इसको एंटर करके सेव कर दूंगा। नरेशन लिखना चाहे आप नरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पैसा रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, कैश के थ्रू बाकी जो बैलेंस बचा है हमारा 8,000 रुपये, हम उसको कैश के थ्रू रिसीव करेंगे। तो यहाँ से वापस स्पेस दबाएंगे, यहाँ से ले लेंगे हम लोग कैश। कैश लेने के बाद यहाँ से वापस स्पेस दबाइए, स्पेस दबाने के बाद ले लीजिए पार्टी का नाम वापस। पार्टी का नाम लेने के बाद यहाँ पर जो बैलेंस था हमारा वो 8,000 यहाँ पे ले लीजिए। आप देखेंगे कैश हमारे पास पहले से ही 1,00,000 रुपये है, तो 8,000 रुपये हम यहाँ पर डाल लेते हैं। 8,000 रुपये डालने के बाद एंटर प्रेस करिए। अब ये भी आपसे पूछ रहा है कि किसके अगेंस्ट आप इसको पेमेंट कर रहे हो, यानी किसके अगेंस्ट हमें ये पैसा रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा जो पेंडिंग नंबर 2 यानी दूसरा जो ट्रैकिंग नंबर था उसमें जो बैलेंस बचा था हमारा उसका जो अमाउंट है वो रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो टोटल अमाउंट था वो यहाँ पर आप देखेंगे XYZ की पार्टी का जो टोटल अमाउंट था वो क्लियर हो चुका है। अब हमें इससे कोई भी पैसा रिसीव नहीं करना, आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। इसके बाद मैं लास्ट टाइम आपको प्रॉफिट एंड लॉस और दिखा देता हूँ। स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आप जैसे ही अपने बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाने के बाद अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करिए Alt+F1। Alt+F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है वो 6,00,000 रुपये का बचा है, यानी इतने का गुड्स आपके पास अभी बचा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कैश इन हैंड आपके पास 1,08,000 रुपये हैं, क्योंकि कैश इन हैंड पहले से ही हमारे पास 1,00,000 रुपये थे जिसमें 8,000 रुपये अभी हमारे इम्प्रूव हुए हैं, और बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास 20,000 रुपये थे जिसमें 7,00,000 रुपये हमारे इम्प्रूव हुए हैं, 20,000 रुपये हमारे पास पहले से ही थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ वो 1,20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है। स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद मैं आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में एक बार और ले चलता हूँ। यहाँ से चले जाइए अपने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, यहाँ से चले जाइए आप सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर, और यहाँ पर ऑल पे क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है। इसके बाद पीछे आ जाइए, यहाँ से अगर आप बिल पेंडिंग देखते हैं तो बिल पेंडिंग भी आपका कुछ भी नहीं है।
अब अगर आपको बिल निकाल करके अपनी पार्टी को भेजना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप चले जाइए अपने डेबुक के अंदर, यहाँ पर अपने कीबोर्ड से 2 बार D दबा दीजिए या फिर यहाँ पर डेबुक पे क्लिक कर दीजिए। डेबुक पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आपकी जितनी भी एंट्रीज थी वो शो हो जाएगी। तो हमने जो 2 सेल की थी हम इन्हीं का बिल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाला बिल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपकी एंट्री यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद आप प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से Alt+P। Alt P प्रेस करने के बाद यहाँ पर करंट पर क्लिक करिए। करंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्फिगर करना है तो कॉन्फिगर करिए। हमें सीधे प्रीव्यू देखना है तो या प्रिंट निकालना है तो प्रिंट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर सिर्फ अभी प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करिए। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए Alt+Z। Alt+Z करने से आपका ये जो बिल था वो जूम हो जाएगा। यहाँ से आप इसे अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी पार्टी का नाम, GST नंबर सब कुछ शो हो गया। यहाँ पर आपका आइटम, उसका CGST, SGST सब कुछ शो हो गया। इसके नीचे अगर आप जाकर देखेंगे यहाँ से आप देखेंगे उसका HSN कोड और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो गई। स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। अगर आप दूसरा बिल देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए स्कैप करके पीछे और यहाँ से आप दूसरे बिल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर सेम प्रोसेस यूज करिए Alt+P प्रिंट के लिए और यहाँ पर क्लिक करिए करंट के अंदर और यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप देखेंगे आपका दूसरा बिल भी आपके सामने शो हो गया। ये जो बिल था हमारा 10 पीस का था, वो जो बिल था हमारा 30 पीस का था। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्टी का नाम, उसका डिलीवरी नोट वगैरह नंबर और यहाँ पर आप देखेंगे उसका HSN कोड और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो गई। तो ये था हमारा सेल ऑर्डर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।